नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। -1 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से सर्दी बहुत बढ़ गई है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त होने लगा है। ठंड लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक आज शुक्रवार 7 जनवरी को उत्तराखंड राज्य के जनपदों के कुछ स्थानों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 2200 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी होने की संभावना है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड के इन शहरों में जाने क्या है आज डीजल और पेट्रोल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए। डीजल की बात करें तो आज डीजल के दाम है 86 रुपए 76 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 23 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 52 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 45 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 80 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 27 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 60 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कैंपस का उद्घाटन करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे कैंपस का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। यह परिसर 530 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इससे देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कैंसर रोगियों को काफी सुविधा होगी। 69 विधानसभाओं से वर्चुअली जुड़ेंगे सीएम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा दौरे पर रहेंगे। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री खटीमा से राज्य की 69 विधानसभाओं से वर्चुअली जुड़ेंगे। साथ ही 5 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम धामी राज्य सरकार की उपलब्धियों के साथ योजनाओं की जानकारी देंगे। आज से लागू कोविड कर्फ्यू पर नई SOP। आज से राज्य में कोविड कर्फ्यू के समय में बदलाव होगा। आज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। सरकार की नई SOP आज रात से अग्रिम आदेशों तक लागू होगी। CBSE की बोर्ड एग्जाम तैयारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 2021-22 में क्लास 9वीं और 11वीं के लिए छात्र आज से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। 2300 रुपए की विलंब शुल्क के साथ साथ से 14 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। UPSC मेंस 2021 संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा का आज आयोजन होगा। परीक्षा 2021 को कार्यक्रम के अनुसार यानी 7, 8, 9, 15 और 16 जनवरी 2022 को आयोजित करने का निर्णय लिया है। मौसम अलर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी रहेगी। प्रदेश के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। आज से प्रदेश में कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी की भी आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 2500 मीटर की ऊंचाई के क्षेत्रों में बर्फबारी से यातायात प्रभावित होने की बात कही है। देहरादून में बैडमिंटन टूर्नामेंट। प्रथम चंद्र सिंह रावत मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय सभागार में आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट 10 जनवरी को संपन्न होगा। टूर्नामेंट में बालक और बालिका वर्ग में अंडर 13, अंडर 17, अंडर 19 और ओपन वर्ग में एकल और युगल मुकाबले होंगे। इसमें विकासनगर ऋषिकेश मसूरी के खिलाड़ी भी भाग लेंगे। स्कंदपष्टी पर्व। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पष्टी तिथि को स्कंदपष्टी का पर्व मनाया जाता है। ये दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय की आराधना की जाती है। प्राइमरी स्कूलों में दिनभर पढ़ाई का आदेश वापस। पहली से पांचवीं तक की कक्षाओं को भी 6 घंटे तक खोलने के आदेश के विरोध के बाद प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया है। बीते रोज जारी शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के आदेश को सरकार ने स्थगित कर दिया है। उद्यान में 415 सहायक के पद उपनल से भरे जाएंगे। राज्य सरकार उद्यान विभाग में 415 सहायक उपनल के जरिए भर्ती करने जा रही है। इसके साथ ही कृषि सहायकों का मानदेय 6000 से 8300 रुपए करने की मंजूरी दे दी है। पौड़ी का लाल अनिल कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद। पौड़ी जिले के लंगूरी गांव निवासी जवान अनिल चौहान गुरुवार को कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। 8वीं गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे। शहादत की सूचना मिलते ही शहीद के घर पर कोहराम मच गया। प्रवक्ता LT शिक्षक भर्ती को नई विज्ञप्ति जारी करे सरकार। BEd व TET उत्तीर्ण छात्र छात्राओं ने LT व प्रवक्ता संवर्ग में 25% पद बढ़ाने के बजाय नई विज्ञप्ति जारी करने की मांग की है, जिससे पास आउट भी आवेदन कर सके। यहां हुई बैठक में BEd प्रशिक्षित व TET उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का कहना था कि परीक्षा परिणाम देरी से घोषित होने के कारण वह प्रवक्ता व LT शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में धांधली के आरोप। शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालय के सहायक पद पर के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया कटघरे में आ गई है। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने धांधली का आरोप लगाया। उनका कहना है कि चहेतों को नौकरी दिलाने के लिए एक के बाद एक काउंसलिंग का खेल खेला जा रहा है। बाद में संशोधित सूची में जारी किए जा रहे इस संशोधन की जानकारी तक संबंधित अभ्यर्थियों को समय पर नहीं दी जा रही। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
मंत्री ने छात्रों को बांटे टैबलेट। कारगिल शहीद कुलदीप सिंह राजकीय इंटर कॉलेज खंडा के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा टैबलेट वितरण किए। टैबलेट वितरण के मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग का टैबलेट लिए। इसके साथ ही डॉक्टर रावत ने विद्यालय के छात्र छात्राओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु सांस्कृतिक मंच निर्माण हेतु विधायक निधि से 2.5 लाख दिए जाने के साथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उद्यान में 415 सहायक के पद, मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पदों पर भर्ती को स्क्रीनिंग परीक्षा। उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग के अंतर्गत मुख्य अग्निशमन अधिकारी को रिक्त 4 पदों पर भर्ती के लिए अब अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग परीक्षा भी देनी होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी को रिक्त पदों पर 15 फरवरी 2021 को विज्ञप्ति जारी की थी। अशासकीय स्कूलों के बच्चों को भी मिले टैबलेट। सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को मिल रही टैबलेट योजना का लाभ अशासकीय स्कूलों को भी देने की मांग मुखर होने लगी है। छात्र छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षक संगठन ने सरकारी स्कूलों को शुल्क संरचना से चलने वाले अशासकीय स्कूलों को भी इस योजना से जोड़ने की मांग की है। पत्नी की हत्या के बाद खुद ही कोतवाली पहुंचा पति। शादी के 2 महीने बाद ही पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी ने 112 नंबर पर पुलिस को खुद ही जानकारी दी और कोतवाली भी जा पहुंचा। पहले तो पुलिसकर्मियों ने उसे मानसिक रूप से बीमार समझा, लेकिन जब घर जाकर देखा तो उसकी पत्नी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के सास ससुर देवर और 2 जेठों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। खेड़ा निवासी फरहा 26 का निकाह 24 अक्टूबर 2020 को बधईपुरा निवासी मशकूर अली के साथ हुआ था। परिजनों का आरोप है कि निकाह के बाद से मशकूर बड़ी कार और 5 लाख रुपए की मांग कर रहा था। दहेज न देने से फरहा के साथ मारपीट की जा रही थी। कोरोना का खौफ, उत्तराखंड सचिवालय में भारी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना वायरस बेकाबू होने लगा है, जिसके मद्देनजर अब उत्तराखंड सचिवालय परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर भारी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। उत्तराखंड में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, FRI अगले आदेश तक पर्यटकों के लिए बंद। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के गेट एक बार फिर से पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। 7 जनवरी 2022 से अगले आदेश तक FRI पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।